बीजेपी जेजेपी गठबंधन में जिस तरह की हलचल मची हुई है, इससे साफ है कि सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है। इसलिए दोनों पार्टियां अब अपनी सरकार बचाने के लिए संकट मोचक ढूंढ रही हैं। यह कहना है पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। हुड्डा मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मुलाकात के बारे में पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दे रहे थे। रोहतक से हमारे संवाददाता रिंकू परमार की रिपोर्ट। जी सर, जिस तरह से मौसम की मार बहुत तेज होती जा रही है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है और किसान जो है खुले आसमान के नीचे बैठे हैं, लेकिन सरकार जो है केंद्र सरकार से मत नहीं है। कल वार्तालाप होनी है, कल का 15 तारीख को होगा और मैं बार बार आग्रह करूंगा कि ये जो कानून है ये किसान के हित के नहीं है। इसी वास्ते सर्दी में किसान बैठे हैं, 60 से ज़्यादा लोग जान गंवा चुके हैं अपनी। सरकार को कल जो है इन किसानों की बात माननी चाहिए ताकि सब अपने अपने काम पे वापस जाए। एक सुप्रीम कोर्ट का जिस तरह से फैसला आया है, क्या लगता है इसमें भी कहीं ना कहीं राजनीति? देखिए, सुप्रीम कोर्ट सर्वमान्य मारा हुआ है न्यायपालिका, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से किसी को वो नहीं है। तो जो सदस्य बनाए हैं उनका पहले ही आ चुका है, उनका दिमाग पहले ही खो चुका है, क्लोज में वो इन कानूनों के हक में है। तो इस वास्ते किसानों को कोई जो आशंकाएं हैं उनको कोई अंदाजा नहीं। सर, जो कमेटी बनाई थी सर, उसमें भूपेंद्र सिंह मान ने रिजाइन कर दिया। वो इसी वास्ते किया कि लोगों का उस पर विश्वास नहीं, उस कमेटी पर विश्वास नहीं है किसानों को। सुप्रीम कोर्ट को पूरा विश्वास है, लेकिन कहाँ से ये नाम आए, कौन है, लेकिन इन लोगों के पहले इन कानूनों के हक में कई लेख आ चुके हैं। सर, किसान कह रहे हैं कि वो 26 भूपेंद्र सिंह मान ने सही किया। सर, भूपेंद्र सिंह मान का जो लेख आया था उसमें एक बात जरूर कही थी उन्होंने कि MSP लागू होनी चाहिए, MSP कानून होना चाहिए, और बात पर उनका था विश्वास थे, उन्होंने दे दिया। सर, किसान कह रहे हैं कि वो 26 जनवरी को दिल्ली में जाएंगे और किसान नेता को आशंका है कि कई हजारों किसान जो है मरने वाले हैं, क्योंकि प्रशासन और किसान आमने सामने है। 26 जनवरी को दिल्ली में जाने की बात कह रहे हैं, क्या टकराव की स्थिति है, क्योंकि किसान नेताओं ने भी आशंका जताई है कि हजारों किसान मर सकते हैं। देखो, टकराव नहीं होना चाहिए, जब मैंने कहा 15 तारीख को लिए है, सरकार को बात मान जानी चाहिए इनकी। और जहाँ सवाल है इनके कार्यक्रम का, हमारी तो किसानों की मांग को समर्थन है, क्योंकि ये जो है उनकी मांग बिल्कुल वाजिब है, जायज है। तो ये खाली किसान का सवाल नहीं है, इन कानूनों से किसान के साथ साथ उपभोक्ता पे भी असर पड़ेगा, जो PDS है उस पर भी असर करेगा। तो आम जनता इस बात को समझती है, क्योंकि जब किसान की फसल आएगी जब सस्ती बिकेगी और बाद में जब स्टोर हो जाएगा तो डिमांड और सप्लाई के हिसाब से महंगी हो जाएगी, उपभोक्ता को भी पड़ेगा।